आज से 4 साल पहले मेरे को सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम हुई, तो मैंने अपने घर के आसपास एक एलोपैथिक के डॉक्टर को दिखाया, तो वहाँ से मेरे को ये क्लियरेंस मिल गई कि मेरे को सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है, और वो धीरे धीरे यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक फैलने लग गई थी, जिस वजह से मैं कॉलेज भी नहीं जा पा रहा था। नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन, भारत होम्योपैथी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाने जा रही हूँ जिनको काफ़ी लंबे समय से विटिलिगो की शिकायत थी। अब वो हमारे यहाँ से 7 महीने का ट्रीटमेंट लिया है, अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। जी आइए मिलते हैं प्रदीप से। नमस्कार प्रदीप। नमस्कार, कैसे हैं आप अभी? मैं ठीक हूँ एकदम। पहले से कैसा लग रहा है अब आपको? अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम ठीक है सब कुछ। जी सबसे पहले ये बताइए प्रदीप जी कि आप कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब फ्लोर से। आपकी उम्र कितनी है? 24। आप काम क्या करते हैं? मैं एक डिज़ाइनर हूँ। ओके, बताइए आप जब हमारे पास आए थे, ठीक है, विटिलिगो की शिकायत लेके, तो कितना था जब आप हमारे पास आए थे? जब मैं आपके पास आया था तब मेरे इस वाले हाथ पे यहाँ तक हो चुका था। मैंने 1 साल का ट्रीटमेंट लिया था एलोपैथिक से, बट उससे आराम नहीं मिला था मेरे को। ठीक है, आपने एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया था जिससे आपको आराम नहीं आया था। एलोपैथी की मेडिसिन में आप क्या क्या लगा रहे थे? कोई ऑइंटमेंट, कोई मेडिसिन खा रहे थे? मैं मेडिसिन खा रहा था और मैं एक क्रीम लगा रहा था जो डॉक्टर ने मेरे को दी थी। जी, वो क्रीम का नाम आपको याद है? क्रीम का नाम अब तो याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो चुका है। काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है। अभी आपको कैसा लग रहा है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी प्रदीप जी, आप मुझे दिखाएंगे सफ़ेद दाग आपको पहला कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट टाइम मेरे को पहले यहाँ पे हुआ था और मैंने एलोपैथिक से दवाई ली थी, मैंने क्रीम भी लगाई और मेडिसिन भी खाई, लेकिन ये फैलता चला गया और यहाँ तक फैल चुका था पूरा। जी, तो आपने एलोपैथी मेडिसिन में क्रीम दिया था डॉक्टर ने आपको? और मेडिसिन थी। ठीक है, आपने वो लगाया, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ अभी आपके यहाँ पे ही था जब आप हमारे पास आए थे, तो या बॉडी के किसी और पार्ट पे भी था? नहीं, और पार्ट पे नहीं था, पूरे हाथ पे था, यहाँ तक फैल चुका था। तो मैं थोड़ा सा घबराया, फिर मैंने आपको जैसे बताया मैं डॉक्टर के पास गया, तो वहाँ जाके जब उन्होंने मेरे को बताया, काफ़ी ना मेरे को स्ट्रेस हो गया था। तो आप खुद देखो, 20 की एज में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो काफ़ी टेंशन होती है इस चीज़ की। तो जैसे कि आपको सफ़ेद दाग था जब, तो उस टाइम पे आप क्या बाहर निकलते थे, अपने फ्रेंड्स से मिलते थे? देखो जब थोड़ा बहुत था तब तक तो ठीक था, बट जब ये बढ़ता चला गया था तब मैं बाहर भी निकलना थोड़ा बंद कर दिया और कॉलेज भी मैंने जाना बंद कर दिया था, क्योंकि दोस्त भी चढ़ाने लग गए थे। ठीक है, अब जब से आप मेडिसिंस ले रहे हैं तब से आपको काफ़ी फ़र्क है और आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तो क्या अब आप अपने दोस्तों के पास जाते हैं, मिलते हैं? हाँ बिल्कुल, अब सबसे मिलता हूँ, कोई हेजिटेशन नहीं होती, कोई इशू नहीं है, अब एकदम ठीक है हाथ भी। ठीक है, तो आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा? एक्चुअली मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा था, मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे, तो आपका चैनल आया उसमें भारत होम्योपैथिक करके, तो मैंने जब देखा उसकी 10-15 वीडियोस देखी, तो मेरे को खुद एक पॉजिटिविटी महसूस हुई, मैंने फिर कॉल करी थी तो मेरे को अच्छा लगा, तो फिर मैं ट्रीटमेंट के लिए आया था यहाँ पे। जी प्रदीप जी, आपको हमने कौन कौन सी गाइडेंस प्रोवाइड की, क्या क्या हमने आपको बताया? आपने एक तो मुझे डाइट का बताया था, जिसमें आपने बोला था कि नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना, अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहना है, और जैसे दूध दही वाइट चीज़ें होती है हमारी, चावल थे, तो इन सब चीज़ों से जितना हो सका मैंने पूरी डाइट जो आपने मेरे से बोला मैंने पूरी डाइट फॉलो करी, तो इससे मेरे को बहुत रिलीफ मिला था। आज वो बिल्कुल ठीक है, उनका विटिलिगो जो है बिल्कुल ठीक हो चुका है। इन्होंने डाइट फॉलो की, हमारे डॉक्टर्स के गाइड भी फॉलो किया, अब ये बिल्कुल ठीक है। जैसे आज प्रदीप जी ठीक हुए हैं विटिलिगो से, सफ़ेद दाग से, वैसे आप लोग भी ठीक हो सकते हैं। सफ़ेद दाग बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये ठीक हो जाता है। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद दाग जो है वो तभी फैलता है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हैं, तो ही जाके विटिलिगो फैलता है। जैसे आज प्रदीप जी ठीक हुए हैं वैसे आप लोग भी ठीक हो सकते हैं। अगर आप मुझसे मिलके मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप मेरे ओपीडी में विज़िट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। Thank you.